राष्ट्रपति के पास से आ जाए, कोई पैदल जाए, चलो राजनीति तो एक्सेप्ट होगा? फटा पुराना कपड़ा पहन के जाए, मट्टी गोबर लगा के जाए, धक्के मार के संतरी कहेंगे तू और यहां लिबास नहीं देखा, यहां चला है। जिस्म नहीं देखा, यहां चला है। आई आई, यानी जैसी जगह वैसा लिबास। कुरान ने बेनबी यही नहीं कहा, बेअब्दे ही, बेरसूले ही नहीं कहा, बेअब्दे ही, यानी बंदों के बीच से महबूब जो चला तो बंदों को समझाने के लिए काफी कि ये आम बंदों की तरह बंदा नहीं है, ये आम बंदों की तरह बंदा नहीं है, बंदा नहीं है। अब जहन को यही रोक लो, जैसी बारगाह वैसी सवारी, जैसी बारगाह वैसा लिबास, जैसी बारगाह वैसा जिस्म। जिब्रील महबूब का सीना शक करो, जोर से महबूब का सीना शक करो ताकि बंदों की सारी सिफत निकल जाए। अरे बोल यार, बोल यार। महबूब आने वाले हैं तो जैसी बारगाह वैसी सवारी, अपनिया भी खट्टों पाएगा, नूर से मिलने नूर चला तो सवारी भी नूरी है। अपनिया भी कहता कोई रोशनी पर रोशनी को सवार करके दिखा दे, रोशनी पर रोशनी सवार करके दिखा दे, उजाले पर उजाला सवार करके दिखा दे, जलवा पर जलवा सवार करके दिखा दे, मिलने मिलने वाला नूर, जिससे मिलेगा वो भी नूर, जो सवारी है वो भी नूर है। अब जोड़ो, लेकिन बेसाइज के पैजामा वालों को अब तक समझ में बात नहीं आई कि नमाज मेराज में मिली है, किसी पहाड़ पे नहीं मिली है। नमाज मेराज में मिली है, किसी पहाड़ पे नहीं मिली है। और नमाज कोई मुरक्कब नहीं के उठा लाओ, नमाज कोई गठरी नहीं के उठा लाओ। आला हजरत को ये सही नहीं होता। वाह वाह, क्या बात है। जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा। अब रोक लीजिए यहां तो, एक नुक्ता और रख कर, लेकिन बोलना पड़ेगा। माशाल्लाह, पीरे तरीकत जानशीनी सरकारी चांदपुर फतह, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कसीमुल हक, नारे तकबीर रिसालत, पीरे तरीकत हजरत अल्लामा कसीमुल हक साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने चांदपुर फतह शरीफ, फैजाने यूसुफी। इनकी ज़ियारत कर रहे हैं, अब बलियाबी को 5-7 मिनट बर्दाश्त करें। मोहब्बत से बोल दीजिए। तो मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिलाएगा?
बिस्तर भी रही गरम सारी रही, बिस्तर भी रहा गरम गर्म। एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद। अब जरा सा रोक लीजिए, रब ने कई मर्तबा बुलाया था, मर्तबा बुलाया एक मर्तबा आए आए अल्लाह स्टेज की तवज्जो रब ने बुलाया एक मर्तबा रब ने बुलाया एक मर्तबा नौ मर्तबा नहीं कहे दस मर्तबा रब के बुलाए से एक मर्तबा अपने से नौ मर्तबा अपने से नौ मर्तबा रब के बुलाए से एक मर्तबा अरे बोलो यार एक मर्तबा रब के बुलाए से एक मर्तबा अपने से गए नौ मर्तबा और अपने से गए नौ मर्तबा। अब तक उनको यही समझ में नहीं आया कि कै मर्तबा गए अब तक उनको यही समझ में नहीं आया कि कई मर्तबा गए आते ये हैं जाते ये हैं जाते ये हैं आते ये हैं जाते ये रब के बुलावे से एक मर्तबा उम्मत के लिए नौ मर्तबा उम्मत के लिए नौ मर्तबा उनको भी मालूम है कि नमाज 50 वक्त में थी ठीक। अच्छा अगर आज 50 वक्त की नमाज होती तो जो दीन छोटा हुआ है यानी एक आदमी सुबह मस्जिद से जाता और 50 वक्त में तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा का वक्फा नहीं रहता और घर फिर लौट के आता और बीवी से कहता अस्सलाम वालेकुम टाइम हो गया है मस्जिद जा रहा यही होता ना। अब सवाल ये उठता है कि उम्मत रसूल की थी फिकर मूसा को क्यों थी वाह सुभान अल्लाह कस के नमाज फर्ज हम पर भी पढ़ना उम्मत मुस्तफा को था हमदर्दी मूसा कलीमुल्लाह को क्यों थी। तब किसी साहबे दिल ने इसी मंजर को इकट्ठा करके जोड़ के कहा है कुछ तेरा भी भला होगा कुछ मेरा भी भला होगा कुछ तेरा भी भला होगा कुछ मेरा भी भला होगा। जब जब मुस्तफा तशरीफ लावे तब हजरत मूसा कहे थोड़ा और कम कराएंगे थोड़ा और कम कराएंगे थोड़ा और कम कराएंगे थोड़ा और कम कराएंगे। तो उसी में कोई मनचला था बोला एक मर्तबा और रसूल करीम चले गए वो मेरे अजीज मेराज की शब की फजीलत और अहमियत बयान किया जाए तो ये आधा घंटा एक घंटे में मसले का हल नहीं। बस यूं समझ लो कि महबूब की मेराज कि वो रब के हुजूर गए ईमान वालों की मेराज कि वो मुस्तफा के करीब गए। अब सवाल ये उठता है कि इतनी जल्दी महबूब गए और आए
वो भी इतनी लंबी मसाफत इतने कम वक्तों में, जबकि यहां से पटना बहुत फास्ट ट्रेन हो, यानी हेलीकॉप्टर से भी जाओ तो कम से कम 22 से 25 मिनट, लेकिन महबूब रब के हुजूर जाने और आने में इतना ही रहा कि जिस घर से मुस्तफा निकले थे दरवाजा जो खुला और कुंडी हिली तो लौटे तो हिलती ही रही, और जिस बिस्तर से मुस्तफा उठ कर गए लौटे तो बिस्तर की गर्मी भी बाकी है। बस इसी को अर्ज कर दूं, गुफ्तगू मुकम्मल। मान लीजिए आपने देखा है ना, जब कोई वीवीआईपी मोमेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर हो, राष्ट्रपति हो, चीफ मिनिस्टर हो, तो सारे रास्ते ब्लॉक, जो जहां है वहीं ठहर जाओ। देखे हैं कि नहीं? जी जी देखे। अरे बोलो ना भैया। गाड़ी वाले वहीं ठहर जाओ, कार वाले वहीं ठहर जाओ, बाइक वाले वहीं ठहर जाओ, ट्रक वाले वहीं ठहर जाओ, जो जहां वहीं ठहर जाओ। तो किसी ने कहा क्यों? कहा वीआईपी आ रहा है, वीवीआईपी आ रहा है, जो जहां है वहीं रुक जाओ, कोई हिलेगा नहीं, कोई डोलेगा नहीं। अब आप ही फैसला कर लो, जब स्टेट और देश का कोई वीआईपी जाए तो सबको ठहरा दिया जाए, ठहरो, कोई हिलेगा नहीं, वो आ रहे हैं। मेराज की सब जब महबूब चले हैं तो रब फरमा रहा है, सब ठहर जाओ, मेरा हबीब आ रहा है। टाइम ठहर जा, घड़ियां रुक जा, हवाएं थम जा, फरिश्तों इस्तकबाल के लिए रुक जाओ, महबूब आ रहे हैं। अमर, जब हवाएं थम ही चुकी थी तो बिस्तर को ठंडा कौन करता? मेराज की का तोहफा नमाज क्या है? नमाज। अब आप ही सही अपना अंदाजा कर लीजिए कि आप किस वैरायटी के आशिक हैं, कि दावा नबी के इश्क का नमाज से कुसूदू, दावा रसूल की मोहब्बत का नमाज से कोई रिश्ता नहीं, दावा रसूल से अकीदत का नमाज से कोई मतलब नहीं। अगर इश्क सच्चा है, मोहब्बत सच्ची है, मोहब्बत सच्ची है, तो मेरे आका करीम फरमाते नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, और कोई आशिक अपने महबूब को तकलीफ नहीं देता। अगर इश्क सच्चा है, अकीदत सच्ची है, तो इश्क का इजहार इस अंदाज से होनी चाहिए कि अपने महबूब की आंखों की ठंडक पहुंचाना न भूले। मैं आखिर में फिर से मुबारकबाद दूं मुहिब्बे गिरामी जनाबे मोहम्मद जफर मस्तान भाई को, बुजुर्गों की नजर लग गई और बुजुर्गों की अताओं ने वो दरवाजा खोल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे खित्ते में आज की रात के लिए ईमान वाले मुतमईन रहते हैं कि कहीं कुछ हो ना हो, लेकिन मेराज मुस्तफा की रात मस्तान तो मस्त रहेगा ही रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला मेरे आका करीम की शबे मेराज की खैरात हम सबको अता कर दे। आमीन।
मेरे रब्बे जुल जलाल अपने महबूब की मेराज का सदका अता फरमाते हैं। बस उसी मेराज की बरकतें हैं कि आज मस्जिद आबाद हैं, पेशानियों को झुकने का सलीका मिला और अपने रब की बंदगी में सुकून मिलता है। सिर्फ बंदा सुबहाना सुबहान अल्लाह कहता है तो दिल को राहत मिलती है, बदन में ताकत मिलती है। इसलिए मेरे अजीज जो इदारे शरिया की तहरीक बेदारी चली, ऐसा नहीं है कि जलसा हो गया काम खत्म। ईद बाद से गांव वाइज ये तहरीक फिर चलेगी, चूंकि बंगाल बिहार झारखंड उड़ीसा चार स्टेट, और हमें फख्र है अहले सुन्नत के उलमा पर, शोरा पर और अपने नौजवानों पर, अपने अइम्मा पर, कि कोई सोच न सका था कि गौसो खाजा वाले ये भी काम कर सकते हैं। और अल्लाह का शुक्र है, अखबार पढ़े होंगे, सोशल मीडिया देखे होंगे, तो मैं तो मुतमईन हूँ। हज़रत अल्लामा शाह कसीमुल हक़ साहब, आलम ये है